नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में जो गूगल मीट पे रनिंग में है, अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहूँगा, यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित है उसके नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसके लिए भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो हमारी जो भी होती है यूट्यूब पर वो ऑनलाइन क्लास को ही बेस्ड करके आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ व्याख्याएं होती हैं वो मैं आपको इसके थ्रू प्रदान करता हूँ। तो आज की जो मॉर्निंग में क्लास थी वो क्लास हमारा अर्बन सोसाइटी से था। अर्बन सोसाइटी में हम लोगों ने अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, लाइक एज अ स्लम्स, और इसके रिलेटेड में उसके संबंधित कुछ हम लोगों ने स्लम्स में योजनाएं पढ़ी थी। इसके साथ ही साथ नगरीय समाज के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के संबंध में भी हम लोगों ने नगरीय समाज से संबंधित पढ़ा था। तो आइए हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि किस समाजशास्त्री को शहरी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्बन सोशियोलॉजी का फादर ऑफ द अर्बन सोशियोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट पार्क, लुइस वर्थ, किंग्सले डेविस एंड बिली कॉक्स, राइट? तो यहाँ पर कौन से शहरी समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट पार्क, लुइस वर्थ, किंग्सले डेविस, बिली कॉक्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैं डायरेक्टली आपको बता देना चाहूंगा, रॉबर्ट पार्क महोदय है जो शहरी समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो बुक थी द सिटी थी, जिसमें इन्होंने शहरी समाज का अध्ययन किया, एक बृहद स्वरूप में शहरी समाज को समझाने का प्रयास इसमें किया है। इन्होंने पर्यावरणीय उपागम का प्रयोग किया, पर्यावरणीय अप्रोच यानी एनवायरमेंटल अप्रोच का प्रयोग जनरली उसके अंतर्गत जो ये कहेंगे विधि प्रयोग की जाती है अध्ययन करने की, वो एथनोलॉजी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें किसी चीज़ का अध्ययन करना होता है तो उस क्षेत्र विशेष में प्रेजेंट होकर आंखों देखे हाल के आधार पर उस समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे रॉबर्ट पार्क महोदय जी हैं, ये अमेरिकन स्कूल्स यानी शिकागो स्कूल से रिलेटेड है। शिकागो स्कूल, जैसा कि आपको पता है कि ये वहाँ पर पर्यावरणीय उपागम का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः शिकागो स्कूल में जो अध्ययन करने पर बल दिया गया वो शहरी समाज में जो समस्याएं थीं, लाइक एज वहाँ की बीमारियां, वहाँ की और भी जो एक कहेंगे पैथोलॉजिकल जो भी समस्याएं थीं, कानून की अनियमितता, स्लम एरिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो सामाजिक समस्याएं, महिला समस्या आदि चीज़ों का भी इन्होंने अध्ययन किया। कुल मिला के मैं बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकन यानी शिकागो जो स्कूल है उसका मेन पर्पस शहरी समाज का अध्ययन करना है, और उसी शहरी समाज के अध्ययन करने के समर्थकों में या इस शिकागो स्कूल के समर्थकों में इनका नाम आता है रॉबर्ट पार्क महोदय का। इन्होंने अपनी पुस्तक द सिटी लिखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द अर्बन कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है बर्गेस व पार्क, बिली कॉक्स, लुई वर्थ, किंग्सले डेविस। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बर्गेस व पार्क, राइट? द अर्बन कम्युनिटी नामक पुस्तक पार्क एवं बर्गेस महोदय ने किया था। अर्बन कम्युनिटी, ये भी अर्बन समाज, अर्बन समुदाय का अध्ययन इसमें बल दिया गया। अर्बन समाज क्या होता है? अर्बन समुदाय यानी लोगों का एक ऐसा समूह जो जिसमें कार्य करने वाले जो होते हैं वो कृषि कार्य की तुलना में गैर कृषि कार्य से अधिक जुड़े होते हैं। शहर का एक निश्चित निर्धारण किया गया है परसेंटेज के आधार पर। परसेंटेज कितना? शहर उस क्षेत्र विशेष को कहा जाता है जिसमें 50% से अधिक लोग
गैर कृषि कार्यों में, नॉन एग्रीकल्चर वर्क में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ओके, तो शहर की ये विशेषता होती है जिसमें गैर कृषि कार्यों में कृषि कार्यों की तुलना में लोग ज्यादा शामिल होते हैं, लोगों का उद्योगों की प्रधानता अधिक होती है कंपेयर टू कृषि के। ओके, लोगों की जीवन शैली भी उसी के आधार पर परिवर्तित होती है, उत्कृष्ट ढंग की होती है नगरीय समुदाय की। अव्यक्तिकता की भावना होती है, अव्यक्तिकता का आशय है कि व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, तो व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध जो है वो अभाव दिखता है नगरीय समुदाय में, ना कि घनिष्ठता। घनिष्ठता व्यक्तिकता का जो संबंध है वो तो आपके ग्रामीण समुदाय में दिखाई देता है, राइट। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी होती हैं कंपेयर टू विलेज, जो ग्रामीण समाज है समुदाय है उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे नगरीय समुदाय में समस्याएं कुछ अधिक दिखेंगी और उत्कृष्ट ढंग की दिखेंगी। ओके, उसमें भी उत्कृष्टता दिखाई देगी आपको, ठीक है, राइट। तो ये चीजें थी नगरीय समुदाय की विशेषता, द अर्बन कम्युनिटी, जो बुक थी रॉबर्ट पार्क महोदय की थी। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लुई वर्थ ने भी एक स्टेटमेंट, जैसा कि इनका इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन एज अ वे ऑफ लाइफ, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, नगरवाद एक जीवन शैली है के संबंध में बहुत नाम इनका आता है लुई वर्थ महोदय का। ओके, आइए आगे चलते हैं। नगर के संबंध में इनका भी डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनका भी योगदान बहुत है नगर समाज के अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में शहरों के उत्थान का यहाँ पे राइज है, ओके, और यहाँ पर पतन, पतन का यहाँ पे है फॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, यानी उठना और गिरना, यानी शहरों के राइज से और पतन की अवस्थाओं की चर्चा की, कितने, तो किसने पहले, तो किस विद्वान ने की, और विद्वान के साथ उनकी बुक का नाम भी आपको याद करना जरूरी है, द कल्चर ऑफ सिटीज। तो इसकी इसका आंसर क्या होगा, लुविस मंफोर्ड, जी एफ कोहेन, एच एम मेयर, सभी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लुविस मंफोर्ड। ओके, यहां पर ये जो विद्वान महोदय थे इनकी बुक थी द कल्चर ऑफ सिटीज, जिसमें इन्होंने शहर के राइज एंड फॉल के आधार पर छह प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया। छह प्रकार के स्वरूप कौन कौन से थे, एक तो था इओपोलिस और मेगालोपोलिस, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने लास्ट में फिर इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, पतन वाले जो इनके थे मेगालोपोलिस का ही एक पार्ट है, मेगालोपोलिस, टायरानोपोलिस और नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस मृत नगर कहते हैं, टायरानोपोलिस को विराट नगर कहते हैं, मेगालोपोलिस को महानगर बोलते हैं। इसके साथ ही जो आपका पोलिस है गांव है, इओपोलिस और वो मेटापोलिस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वो मेट्रोपोलिस है। तो मेट्रोपोलिस, इओपोलिस, इओपोलिस और मेट्रोपोलिस, और मेगालोपोलिस ये पतन में आएगा। तो तीन मैंने आपको बता दिया, पोलिस, इओपोलिस, इओपोलिस क्या है गांव, इओपोलिस क्या है शहर, और ये कस्बा और शहर हो जाएगा मेट्रोपोलिस। पतन में आप आएंगे तो मेगालोपोलिस महानगर, टायरानोपोलिस विराट नगर, और नेक्रोपोलिस क्या हो जाएगा मृत नगर। ये छह प्रकार के स्वरूप थे शहरों का राइज एंड फॉल के आधार पर। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया, छह प्रकार के थे, छह स्वरूप थे, और छो में कौन कौन से नाम थे ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले कौन सा आया था, पोलिस यानी गांव, और सबसे लास्ट में कौन सा है, नेक्रोपोलिस, ओके, मृत नगर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लुविस मंफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का प्रथम चरण कौन सा है। अब आपका आंसर बिल्कुल आपको आता भी होगा शायद, अभी मैंने लेक्चर में भी मैंने बता दिया। तो इओपोलिस आपको पता है सेकंड पोजिशन पे आता है, पोलिस आपका फर्स्ट पे आता है, नेक्रोपोलिस किस पे आता है आपका लास्ट सिक्स पे आता है, और मेट्रोपोलिस किस पे आता है आपको पता है थर्ड पे आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चरण पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पोलिस गांव। नेक्स्ट है, मंफोर्ड के अनुसार शहरीकरण का अंतिम चरण कौन सा है, टायरानोपोलिस किस पे है, फिफ्थ पोजिशन पे है, हम लास्ट ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्रोपोलिस अभी मैंने बताया सिक्स पोजिशन पे है, पोलिस मैंने अभी बताया किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे है, इओपोलिस किस पे है, सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, इसमें लास्ट कौन सा है, सिक्स्थ वाले में, नेक्रोपोलिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स।
मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप सबको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज इसको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ढेर सारी वीडियो आपको वहां पे मिलेगी, वो चाहे सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो या उसके साथ ही यूजी सेनेट का जो प्रथम प्रश्न संबंधित हो उससे रिलेटेड। हमने सोशल रिसर्च और कम्युनिकेशन, इसके साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस हमने वहां पे प्रोवाइड किए हैं, आप उसे जाके देखिए आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राम में नगरीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी? ध्यान सुनिएगा, ग्राम में नगरीकरण की अवधारणा, ग्राम में नगरीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी? तो पहला ऑप्शन है सी जे गाल्पिन महोदय ने, बी ऑप्शन है मम्फोर्ड, सी ऑप्शन है जे एफ कोहन, एंड डी ऑप्शन है बिलकॉक्स। ठीक है, तो ग्राम में नगरीकरण, रूलर अर्बनाइजेशन, तो इसके कौन है विद्वान? अवधारणा दी है सी जे गॉल्पिन के लिए। देखिए, ग्राम में नगरीकरण की अवधारणा, ग्राम में नगरीकरण होता क्या है? आपको पता है नगरीकरण करण अगर लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्राम में क्या हो रहे हैं, नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी जिस प्रक्रिया या जिस प्रभाव के कारण ग्राम नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्राम में नगरीकरण कहते हैं। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किया कि समाज में औद्योगिकरण, नगरीकरण का किस प्रकार ग्राम के लोगों को पर पड़ रहा है, और गांव के लोग नगरों के आकर्षक बिंदुओं पर आकर्षित हो रहे हैं और नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार गांव धीरे धीरे करके नगर में परिवर्तित हो रहा है, इसको समझाने के लिए इन्होंने इस अवधारणा को दिया है। ओके, सी जे गॉल्पिन महोदय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, इसी से बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई नेवरहुड यूनिट, नेबरहुड यूनिट शब्द का प्रयोग किया। ओके, तो पहला ऑप्शन है इसमें, इसके आंसर पहला कौन सा होगा? ऑप्शन है लुइस मम्फोर्ड, एंड सेकेंड ऑप्शन इज क्लेरेंस ए पेरी, एंड सी ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन अर्नोल्ड वेडिक, एंड फोर्थ इज द लास्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास। ओके, चलिए, तो किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई नेवरहुड यूनिट का प्रयोग किया? लुइस मम्फोर्ड,
क्लेरेंस पे ही अर्नोल्ड विडिक, तो किसने किया? प्रतिवेशी एक्चुअली क्या है, ये है नेवर यानी पड़ोस। पड़ोस आपको बताना चाहूंगा, पड़ोस का यहाँ पे आशय होता है सब अर्बन से। सर्वर मीन्स मतलब क्या है, यानी सपोज दैट मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक एज अलाहाबाद, अलाहाबाद के आसपास जो इलाके हैं, यानी जो अलाहाबाद को प्रमोट करने वाले हैं, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे वो राजनीतिक मामले में हो, किसी भी संदर्भ में हो, जो समर्थन देने वाले हो शहर को, मेन शहर को जो समर्थन देने वाले उपनगर हैं। उपनगर जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, नजदीक के फाफा मऊ हो गया, अलाहाबाद के आसपास फाफा मऊ, इसके साथ ही आप कौशाम्बी ले लीजिए, इसके साथ ही आप मिर्जापुर, जौनपुर, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे हैं आपको अलाहाबाद को ज्यादा समर्थित करने वाले। ओके, तो ये सब क्या है, ये होंगे सब अर्बन उपनगर। उपनगर होते ये है पड़ोस, इन्हें प्रतिवेशी इकाई कहा जाता है। अब यहां पर जो शहर होता है वो एक सेंटर का काम करता है, सेंटर होता है, और उस सेंटर से सब अर्बन क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विभिन्न तरीके से। अगर किसी भी चीज का सेंटर पर प्रभाव पड़ता है तो उसका उसके आसपास के इलाकों पर भी क्या होता है, प्रभाव होता है। इसके साथ ही ये देखिए, अगर नेगेटिव में आप चाहे देख लीजिए इसे, चाहे सकारात्मक ढंग से भी देख लीजिए, दोनों संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो दोनों संदर्भों में यही अवधारणा क्या होती है, लागू होगी। ठीक है, तो ये ध्यान, प्रतिवेशी यानी पड़ोस से यहां पर है, आसपास का जो एरिया है उपनगर है, किसी नगर का मुख्य नगर का उपनगर, ये होता है प्रतिवेशी या पड़ोस। राइट, जैसे आप अपने घर के आसपास भी ले सकते हो। ओके, ये चीज़। तो किस विद्वान ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया, तो क्लेरेंस ए पेरी ने किया था सर्वप्रथम इसका प्रयोग। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पड़ोस की मुख्यतः पड़ोस की उदाहरण संबंधित होती है। इस क्वेश्चन है लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन 8 है कि किस उदाहरण मुख्यतः, सॉरी मुख्यतः पड़ोस की अवधारणा, पड़ोस की अवधारणा संबंधित होती है। पहला ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग से, दूसरा है मध्यम वर्ग से, सी ऑप्शन है उच्च वर्ग से, डी है निम्न वर्ग से। ओके, तो देखिए यहां पर पड़ोस की अवधारणा संबंधी, यानी पड़ोस में जनरली होते कौन है, देखिए आपको अगर देखे होगे तो किसी नगर का जो सेंटर होता है वहां पर बहुत, एक कहेंगे बहुत प्रोफेशनल और बहुत उच्च वर्ग क्लास वर्ग के लोग होते हैं, बहुत उच्च वर्ग के, और उच्च से थोड़ा निम्न में आइए तो मध्यम वर्ग के साथ साथ मुख्यतः निम्न मध्यम वर्ग। ध्यान दीजिएगा, मध्यम वर्ग आप कह सकते हो, उसके आसपास की जो उपनगर होता है वो थोड़ा उससे कमजोर वाले होते हैं, कुछ निम्न कैटेगरी के क्लास के होते हैं। जैसे मध्यम वर्ग में दो प्रकार के होते हैं, आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं आगे क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा, तो वहां पर ब्रिटेन महोदय ने और जे हिक्की लोगों ने दो प्रकार के पड़ोस के दो प्रकार के लोगों की बात की थी। एक मध्यम वर्ग में भी दो होते हैं, एक उच्च मध्यम वर्ग होता है, एक निम्न मध्यम वर्ग होता है। तो निम्न मध्यम वर्ग मुख्यतः क्या होते हैं, आसपास के लोग होते हैं। ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग। यहाँ पर मध्यम वर्ग भी नहीं होगा क्योंकि बहुत उत्कृष्टम हो गया, और उच्च वर्ग भी नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका सेंटर वाले हैं यानी नगर से संबंधित है, और ये निम्न वर्ग तो होगा नहीं क्योंकि बहुत निम्न आप चले गए। इसका आंसर क्या होगा, निम्न मध्यम वर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए साथ में, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।